ओम सभी को नमस्ते जी। हमने बहुत बार बताया कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, आप लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुतों की शिकायत रह जाती है, जी मैं नहीं कर पा रहा हूं। बहुत नौजवान अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर भी रहे हैं। जिन लोगों की शिकायत रहती है, जी मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं उन्हें एक ऐसी चीज बताना चाहूंगा कि आप ये काम कर लें, फिर ब्रह्मचर्य पालन अपने आप हो जाएगा, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा विषय है एक कदम ब्रह्मचर्य की ओर। कुछ अपनी बातें भी बताऊंगा मैं। अब कई दिनों बाद आपके बीच में आए हैं, कुछ क्या किया, क्या चल रहा है, कुछ चर्चाएं करेंगे। जीवन में एक बात याद रखना, यदि आप ब्रह्मचर्य का आपके दिमाग में बात रहती है, मैं ब्रह्मचर्य पालन कैसे करूं, ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो, इसकी जगह मैं कहता हूं, यदि आप अपनी संपूर्ण शक्ति को किसी एक महान लक्ष्य पर लगा देते हैं, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य पालन अपने आप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन का कोई लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की ओर अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, प्राण को, पूरी जीवन शक्ति को उस लक्ष्य की ओर झोंक दीजिए, उस लक्ष्य पर लगा दीजिए, फिर देखना आपका ब्रह्मचर्य पालन अपने आप हो जाएगा। ऐसे कैसे लगा दें आप सोचते होंगे, कैसे अपनी पूर्ण इंद्रियों को, मन को, जीवन शक्ति को एक लक्ष्य के ऊपर कैसे लगा दें। चलो एक छोटी सी बात से समझाने का प्रयास करूंगा। महाभारत की एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है। द्रोणाचार्य जी जब पांडवों की परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे ये विद्या में कितने प्रवीण हो गए हैं, तो वो एक कोई चिड़िया जैसा कोई खिलौना किसी वृक्ष पर लटका देते हैं और सबसे पूछते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप सबने सुनी है, कोई कहता मुझे पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है, टहनियां दिखाई दे रही, कोई कहता मुझे ये दिखाई दे रहा, कोई कहता मुझे वो दिखाई दे रहा है। जब बात अर्जुन की आई तो अर्जुन से पूछा, द्रोणाचार्य जी ने आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन कहता है मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्या अर्जुन के सामने पत्ते नहीं थे? क्या अर्जुन के सामने पेड़ की टहनियां नहीं थी? क्या अर्जुन के सामने आकाश नहीं था? फिर उसे सिर्फ चिड़िया की आंख क्यों दिखाई दी? क्योंकि अर्जुन ने अपना सारे इंद्रिया, मन, प्राण, जीवन शक्ति को अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया और उसे कुछ भी आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो यही ब्रह्मचर्य में है। जिस दिन आपका कोई लक्ष्य आप जीवन में बना लेंगे और उस लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति झोंक देंगे, फिर मैं दावे के साथ कहता हूं आपके लिए ब्रह्मचर्य कोई कठिन नहीं होगा, बहुत सरल होगा आपके लिए। आपके लिए व्यर्थ की चीजों के लिए समय नहीं होगा। आप जब सुबह सूर्योदय के साथ उठते हैं तो एक लक्ष्य लेकर उठते हैं, एक उत्साह के साथ उठते हैं। यदि आप सुबह उठे और आपका लक्ष्य के प्रति कोई उत्साह नहीं है तो आप जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। अपने लक्ष्य के प्रति जो सुबह उत्साहित नहीं होता है कि कल मुझे सुबह उठते ये शुरुआत करनी है, फिर वो क्या जीवन जी रहा और क्या वो ब्रह्मचर्य पालन करेगा। भाई निठल्ले ठाल्ले आदमियों का ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य होगा पुरुषार्थी का, मेहनती का, लक्ष्य पर लगे हुए का, तब ब्रह्मचर्य होगा। कुछ मुश्किल नहीं है ब्रह्मचर्य बस। अरे ऋषियों ने कितनी कृपा की हमारे ऊपर, खजाना दे दिया है, कितनी दया की ऋषियों ने, वो चीजें सिखा दी हैं और उनमें सबसे मुख्य चीज मैंने आपको बता दी है। मैं क्या है, मैं मेरा भी बताऊं, मेरी भी आजकल पढ़ाई में काफी बल लग रहा है और हम लगा रहे हैं। मेरा मैंने देखा कि मैं दोपहर का जो हमारा समय होता है विश्राम समय, 12 से 2 बजे भोजन विश्राम का, मैं उसमें इंस्टाग्राम चलाने लगा। अब इंस्टाग्राम में देखो तो घंटे चले जाए, 1 घंटा आराम से चले जाए, कुछ तुम्हारे व्हाट्सएप पे देख लेता। तो मैंने कहा तो समय खाम खाई का बर्बाद, 1 घंटा
जब आपका लक्ष्य बड़ा हो जाता ना, याद रखना आपकी यदि 20-25 मिनट में आपकी खराब हुई तो आपको बहुत कष्ट होने लगेगा। अब और आपने कड़ी मेहनत होगी तो 10-10 मिनट की आपको ये लगने लगा, अरे मेरी 10 मिनट गई, तो भाई मैंने तो मेरे फोन से इंस्टाग्राम फेसबुक सब हटा दिए हैं, टेलीग्राम में प्रयोग नहीं करता। वो स्वामी जी ब्रह्मचर्य की चीजें डालते हैं, अच्छी चीजें डालते हैं, आप वो टेलीग्राम से आप देख सकते हैं। मैं सारी चीजें हटा करके फोन पे बिल्कुल समय नहीं देना, सिर्फ सामान्य कोई आपके यूट्यूब के मैं खोलता कितनी देर हूँ, खोलता तो यूट्यूब पे जो कमेंट आए हुए उनके रिप्लाई कर देना, या फिर कोई तुम्हारा व्हाट्सएप पर कोई बात है तो वो कर देना, कोई ज्यादा समय इन बातों में लगता नहीं। तो फोन को अपने से दूर रखता हूं, मैं तो अलग रखता हूं दराज में, जब जरूरत पड़ती है तब निकालता हूं आवश्यकता के लिए, क्योंकि ये भी जब हाथ में आता है ना, आया तो आया। लेकिन मैं कहता हूं जब आप लक्ष्य बड़ा बना लेंगे तो कुछ कर ले जाएंगे, वरना ये जवानी ऐसी कट जाएगी तुम्हारी, फिर तुम्हारी जवानी निकलने के बाद फिर तुम पश्चाताप करोगे, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। कड़ी मेहनत करो, जी जान लगा दो अपना पूरी ताकत के साथ। कहते ना कि सफर की जो शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हिम्मत कीजिए, आप पढ़ना शुरू करेंगे। मेरी तो कई दिन तो कमर ने बड़ा भयंकर दर्द किया, इतना लंबा बैठना पड़ता है। अब तो ईश्वर की कृपा से दर्द भी बंद हो गया, अभ्यास हो गया लंबा बैठने का पढ़ने का। तो मैं यही कहता हूं आपको, लग जाइए, परमात्मा ने इतनी कृपा की, पूरा ऑटोमेटिक शरीर दिया ही, आप कुछ दिन इसे जैसा चाहें वैसे ढल जाएगा। आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, कुछ दिन कष्ट आएगा, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप। अरे क्या 10-12 घंटे, कुछ नहीं, और अंतिम में आदत पड़ जाएगी आपको, ये भी एक बड़ी बात है। आपको इतने देर नहीं पढ़े तो मजा ही नहीं आएगा, अरे आज तो कम पढ़ा मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन करें, मेहनत से पढ़ें। आप सब प्रिय ब्रह्मचारी हमारे भाई और बहने हैं, डटे रहिए, डरिए नहीं। ये काम वासना तो बंदर की तरह है, जितना डरोगे उतनी ऊपर आएगी। डटो ब्रह्मचर्य की तरह, मजबूत होकर डट जाओ। कोई अश्लील वीडियो आई नहीं देखूंगा मैं, नहीं देखनी। लड़कियों के साथ कोई चैटिंग सेटिंग नहीं, कोई मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा। संकल्प लो, मजबूत हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करो। नमस्ते जी।